बात यह है, सरकार कौन सा बनता है कौन सा नहीं बनता है सवाल इस चीज का नहीं है। अब तक कई सरकारें देश में बन चुके हैं, कई प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन देश का स्थिति जस के तस है। देश के हालात में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। हमारे से बुरा रहने वाला, हमारे से कम जीडीपी रहने वाला चाइना आज 16 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन गया है, जबकि आज देश में हमको 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना दिखाया जा रहा है, जो कुछ भी नहीं है। एक चीज में अपमान है देश का। अगर किया जाए मन से तो हम अमेरिका से भी बड़ा इकोनॉमी बन सकते हैं। सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल इंडिया में है, सबसे बड़ा युवा शक्ति हमारे देश में है। अच्छा क्लासिकल ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन भी है, नदियों में हजारों टीएमसी पानी की उपलब्धि है, सोलर रेडिएशन भी अच्छा है। इन सब चीज के बावजूद व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग द अमृत महोत्सव ऑफ 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, वी सफर फॉर पावर, वी सफर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, द कंट्री सफर्स फॉर इरिगेशन वाटर, व्हाट द हेल इट इज। सरकार कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस के बिना बनेगा, बीजेपी का बनेगा, किसका बनेगा, ये बात नहीं है। एक उज्जवल हिंदुस्तान बनेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। उज्जवल हिंदुस्तान बनने का सारा प्रयास करना चाहिए। आप जर्नलिस्ट भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है, आपको भी इसमें योगदान करना पड़ेगा। सुनिए ना, आप लोगों का भी इसमें योगदान का बहुत जरूरत है। सेंसेशन को छोड़िए, सेंसेशनल न्यूज को छोड़िए, देश को एक पॉजिटिव लाइन में, कॉन्क्रीट लाइन में बनाने की बात होना चाहिए। जो कि हमारे साथ जो देश आजाद हुए वो काफी आगे निकल चुके हैं, हम जहां के वहां रह गए। आज देश में कोई कुछ नहीं, किसान कुछ नहीं, हमारे दलित कुछ नहीं, हमारे आदिवासी ट्राइबल भाई कुछ नहीं है, तो फिर कौन कुछ है। तो इसलिए हालात बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन। भाषणबाजी तो बहुत होता है, प्रामिसेस बहुत किए जाते हैं, लेकिन होता यह है, असलियत क्या है? इंडस्ट्री क्लोजर हो रहा है, जीडीपी क्रैश हो रहा है, इन्फ्लेशन ऑन द हाई राइज है, रुपया पूरा कंप्लीटली गिर गया है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। डॉलर के इस मुकाबला पहली बार इतिहास में बहुत बड़ा गिरावट आ चुकी है। तो इन चीजों के मद्देनजर देश के युवाओं को, देश के बुद्धिजीवियों को, देश के जर्नलिस्ट भाइयों का ये फर्ज बनता है कि भारत बदले, जरूर बदले, और जरूर बदलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आई वुड ओनली लाइक टू से दैट विथ ऑनरेबल देवेगौड़ा जी और एल्डर लीडर एंड सी कुमारस्वामी जी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, वी हैड डिस्कस्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग द नेशनल पॉलिटिक्स, रिगार्डिंग द कर्नाटका पॉलिटिक्स, एवरीथिंग। वन थिंग आई रिमाइंड यू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स, द अदर डे व्हेन आई वाज देयर बिफोर कर्नाटका इलेक्शंस लास्ट टाइम, आई सेड आई विल कम बैक टू दिस स्वीयरिंग सेरेमनी ऑफ मिस्टर कुमारस्वामी, एंड माय वर्ड्स वर प्रूव टू बी राइट एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। एंड दिस टाइम आई अश्योर यू देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज एट द नेशनल लेवल, नन कैन स्टॉप इट, नन कैन स्टॉप इट। बातें बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत बदलेगा, भारत को बदलना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, संभावित रूप का परिणाम लेना चाहिए। इस देश को राजनीति के अलावा, नेताओं के अलावा, इजम्स के अलावा राइज होके डेफिनेटली देश के हालात को बदलने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। वो जैसा कुमार स्वामी जी ने कहा उस प्रकार से 2-3 महीने के बाद आपको सेंसेशनल न्यूज मिलेगा। नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू।